हेलो एवरीवन, बेस्ट टेलर चंचल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मशीन का धागा बार बार क्यों टूटता है। तो फ्रेंड्स, जब मशीन में धागा बार बार टूटता है तो सिलाई करने में भी परेशानी होती है और हमारा मन सिलाई करने के लिए नहीं करता, क्योंकि हमें परेशानी होती है कि बार बार हमारा धागा टूट रहा है, जिससे हमारी सिलाई भी खराब होती है और जो हम कपड़ा स्टिच करते हैं वो कपड़ा भी खराब होता है, उसकी सिलाई अच्छी नहीं आएगी तो हमारा कपड़ा भी खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, से आज मैं आपको बताऊंगी कि किन किन कारणों से ऐसा होता है कि मशीन का धागा बार बार टूटता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास मशीन है। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारा ये धागा होता है, जिसमें हम ये मशीन में इस धागे को डालते हैं, हमने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जहां से हम पूरे पर धागा डालते हैं कि वो हमारा धागा प्रॉपर डला है कि नहीं डला, क्योंकि हमारा जो मशीन में धागा है वो अच्छे से नहीं डलेगा तो जिस सुई में धागा बार बार टूटेगा। तो फ्रेंड्स, पहला तो ये कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि जो हमारी ये दो प्लेटें होती है, देखिए ये जो हमारी प्लेटें होती हैं, इनके बीच में हमारा जैसे के बीच में हम ये धागा ऐसे पिरोते हैं, देखिए ऐसे हमारा यहाँ पर जो बड़ा पेच होता है ये ज्यादा टाइट ना होगा, क्योंकि जितना टाइट, अगर ये धागा हमारा टाइट होगा तो हमारा धागा यहाँ से टाइट होगा तो जिससे हम सिलाई करते हैं ये धागा हमारा अच्छे से सिलाई नहीं करेगा और ये धागा हमारा बार बार टूटेगा। इसलिए हमने यहाँ पर नॉर्मल ही ऐसे इसको रखना होगा कि हमारा धागा जो है वो आराम से आ रहा है। देखिए ये हमारा धागा बिल्कुल आराम से आ रहा है। तो ये हमारा दूसरा कारण है जिससे हमारा धागा टूटता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो यहाँ से धागा चलता है तो ना ही तो ज्यादा ढीला होना चाहिए ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए। ज्यादा टाइट होगा तो हमारा धागा बिल्कुल सिलाई करते वक्त बीच बीच में जरूर टूटेगा। तो फ्रेंड्स, तीसरा कारण ये होता है कि जो हमारी मशीन की जो सुई होती है, हमारी सुई टेढ़ी तो नहीं है, क्योंकि ये भी कारण हमारा धागा टूटने का होगा कि हमारी सुई जो टेढ़ी होगी, अच्छे से सेट नहीं होगी तो हमारा धागा बिल्कुल टूटेगा। तो हम ऐसे मशीन को घुमाएंगे कि जैसे हमारी सुई अंदर की साइड आराम से जा रही है तो हमारी जो सुई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और हमारी सुई यहाँ पर जो ये पंजा है इसमें ऐसे लगेगी तो हमारी जो सुई है बिल्कुल टेढ़ी है, जिससे हमारी सुई बिल्कुल सेट नहीं हुई है। तो एक कारण हमारा धागा टूटने का ये भी है। तो ये हो गया हमारा तीसरा कारण। तो चौथा कारण ये होता है कि जो हमारा ये धागा होता है वो बिल्कुल पक्के वाला धागा होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो कच्चा धागा होता है तो बिल्कुल ऐसे खींचने पर टूटता है, तो ये हमारा बिल्कुल पक्के वाला धागा है। तो आप भी ऐसे पक्के वाला धागा यूज कर सकते हैं। देखिए हमने जो धागा है वो बिल्कुल मजबूत लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी क्वालिटी का धागा लेंगे वो महंगा तो जरूर आएगा, लेकिन हमें सिलाई करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। इसलिए हमने बिल्कुल पक्के वाला थ्रेड लेना चाहिए सिलाई करने के लिए। तो एक कारण ये भी होता है कि हमारा कच्चा धागा होता है तो वो बार बार टूटने लगता है, जिससे हमें सिलाई करने में परेशानी होती है। तो एक कारण हमारा ये है धागा टूटने का। और एक कारण ये होता है फ्रेंड्स, ये हमारी में अगर धागा टाइट ऐसे टाइट निकलेगा तो हमें सिलाई करने में दिक्कत होगी और सिलाई करने के वक्त ये धागा बार बार टूटेगा। एक कारण ये है, ना ही तो ज्यादा टाइट धागा रखना होगा ना ही ज्यादा लूज धागा, कारणों की वजह से हमारा धागा बार बार टूटता है। हमारा एक धागा टूटने का कारण है। और हमें बाबन में ज्यादा धागा भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारा जो धागा ज्यादा होगा तो हमारा धागा बाहर निकलेगा और टाई करने के वक्त उसमें भी हमें परेशानी होगी, उससे भी हमारा धागा टूटेगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू वेरी मच।